ओम ब्रह्मानंदम परमसुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम त्रिगुणरहितम तस्य मस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचल सर्वधी साक्षीहुतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुं तम नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शोहम। आज गीता के 10वें अध्याय का ये 6वां श्लोक है और इस श्लोक में भगवान एक मिनट श्लोक में भगवान अर्जुन को अपने संकल्प से सप्तऋषि और सनकादि की उत्पत्ति के बारे में बता रहे हैं। जैसे आपका संकल्प होता है उससे आपका परिवार बनता है, ऐसे बता रहे हैं कि महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारः मनवा तथा मद्भावः मानसः जातः एषां लोके इमः प्रजा। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारः मनवा तथा मद्भावा मनसा जाता एषां लोके इमां प्रजा। महर्षया यानी महर्षि, सत्ता यानी सात, पूर्वे यानी उनके पहले, चत्वारा यानी चार, फिर मनवा यानी मनु, इमा मनवा तथा यानी और, मद्भावा मुझसे भाव वाले, मानसा यानी मेरे संकल्प से, जाता यानी उत्पन्न हुए हैं, एशाम यानी जिनकी, लोके यानी संसार में, इमा मतलब यह, प्रजा मतलब संततियां हैं। सात महर्षि जन और चार उनसे भी पहले होने वाले सनक, सनातन, स्नंदन, सनत कुमार तथा 14 मनु, स्वयंभू मनु, इनसे ये सब मुझसे भाव वाले और मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, मुझ में भाव वाले और मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। गुरु महाराज की कृपा से और ये जो है श्लोक का जो अर्थ आप देख रहे हो, ये कोई भी किसी को बताओगे वो कहेगा हाँ बिल्कुल ये अर्थ है, सिंपल है। लेकिन इस अर्थ में जो गूढ़ अर्थ है, इसके इस ताबीज के अंदर जो नक्शा है खजाने का, वो कोई जानता नहीं। सतगुरु सच्चिदानंद परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जो कि आपकी आत्मा है, जो कि आपके प्राण है, जो कि आपके जान है, जो कि आपका अस्तित्व है, जो कि आपके उनके होने से आपका होना है, ऐसे ही वो भगवान के होने से अनंत ब्रह्मांडों का होना है और अनंत आकाश गंगा का होना है। क्योंकि उनके होने से सारे विस्तार का होना है,
इसलिए भगवान श्री कृष्ण इस संसार की आत्मा है, इन संसार के प्राण है, इस संसार की चेतना है और इस संसार के मालिक है। वो नारायण है क्योंकि नर के अयन है, वो हरि है क्योंकि संसार के समस्त दुख केवल वो ही दूर कर सकते हैं, वो गोविंद है क्योंकि सारी इंद्रियां के वही केंद्र है, वो गोपाल है क्योंकि समस्त पृथ्वी को वो पालते हैं, वो मनमोहन है क्योंकि मन सारे मन संसार को मोहित कर लेते हैं, लेकिन जब मन उनमें मोहित हो जाता है, जब मन नहीं रहता तो वो आदमी मुक्त हो जाता है। तो ऐसे भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन सृष्टि के आदि में भगवान अकेले होते हैं, आज भी वो अकेले हैं, लेकिन लगता है अपने को कि ये सब है। एको हम बहुश्यामा, मैं एक हूं और बहुत सारों में हूं, मैं एक हो जाऊं बहुत सारे लोगों में, बहुत सारा जैसे छोटे बच्चे खेल बनाते हैं, ऐसी ये जगत भगवान की लीला है। तो भगवान कहते हैं कि सात महर्षि, अब देखो तो भगवान को पहले चार कुमार बोलने चाहिए थे, क्योंकि चार कुमार तो पहले हुए, सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार, ये चार कुमार एक साथ हुए, और ये चार कुमार ये ब्रह्मा जी की उत्पत्ति से, ब्रह्मा जी के की उत्पत्ति से ब्रह्मा जी ने की है। अब भगवान कहते हैं मैंने किए, मेरे संकल्प से हुए, संकल्प भगवान का संकल्प कौन है, भगवान का संकल्प ब्रह्मा है। जैसे संकल्प से किसी लड़की को जिसको आप जानते नहीं है उससे आप संकल्प करके विवाह कर लेते हैं, वो आपकी पत्नी हो जाती है, आपके बच्चों की मां हो जाती है। जैसे संकल्प से उस पत्नी के साथ बैठने उठने में आपके बच्चे होते हैं, वो आपके आपके पुत्र पुत्री हो जाते हैं। ऐसे संकल्प से आप मित्र बनाते हैं, आप संकल्प से शत्रु बनाते हैं, आप संकल्प से अपना कैरियर बनाते हैं, आप संकल्प से अपना भाग लिखते हैं, आप संकल्प से मकान बनाते हैं, आप संकल्प से अपने रोजमर्रे की जिंदगी व्यतीत करते हैं, आप संकल्प से अपने रिश्तेदारों से संबंध रखते हैं और नहीं भी रखते हैं। ये सारा जगत आपके संकल्पों का विस्तार है, आप देखो ना, आपके पिता ने संकल्प किया तो पिता के द्वारा आपकी माता के माध्यम से आप पधारे, या इस संकल्प का फल है। ये जगत संकल्प से रचित है। एक भजन गाते हैं कि विचार करके देखो भैया जगत बनो है मन से। अगर आप इसको सूक्ष्मता से सोचेंगे तो ये संसार मन से बना हुआ है। तुम्हारी जितनी भी भाषा है ये मन से बनी हुई है, तुम्हारी जितनी भी योजनाएं हैं जगत में रचनाएं हैं वो सब मन से बने हुई। तो जो चार कुमार हैं ये तुम्हारे अंदर ही है, सनक सनातन स्नंदन सनत कुमार, ये बाहर की बात गीता नहीं है, गीता तुम्हारे अंदर की बात है। ये जो तुम्हारा सनातन आत्मा है ये अनादिकाल से चला आ रहा है, ये भगवान का प्रत्यक्ष रूप है, ये सनातन है। तुम्हारे अंदर
इस आत्मा को जानने का जो भाव उत्पन्न होता है वो सनक है। तुम परमात्मा की तरफ जो प्रेम रख के बहते हो, द्रवित हो जाते हो, वो स्नंदन है, स्नंदन है। तुम्हारे अंदर जो एक कुंवारापन है, आत्मा किसी से टच नहीं हुई है, आत्मा किसी से इन्वॉल्व नहीं होती, आत्मा किसी से दूषित नहीं होती, वह तुम्हारा सनत कुमार है। ये चारों तुम्हारे अंदर पवित्र है। ऐसे ही तुम्हारे अंदर सात ऋषि हैं। जब तुम आत्मज्ञान के मार्ग पर बढ़ोगे तो तुम्हें अपने अंदर ऋषित्व का बोध होगा और इनकी सात अवस्थाएं आती हैं। आत्मज्ञान के सात तल होते हैं, ये सात तुम्हारे ऋषि हैं। कोई जमदाग्नि है जो तुम्हारे अंदर वीरता को पैदा करता है, कोई वशिष्ठ है जो तुम्हारे अंदर परमात्मा की ओर जाने वाली वह शिष्टता का मार्ग है वो आलोकित करता है, कोई तुम्हारे अंदर अत्रि है जो तुम्हें अत्र तत्र सर्वत्र परमात्मा के बोध के बारे में विश्वास दिलाता है, तुम्हें लगता है कि हाँ यार भगवान तो हैं। ऐसे तुम्हारे अंदर विभिन्न सात ऋषि हैं और तुम्हारे 14 मनु, यह कल्प में बाहर की तरफ दिखाए गए लेकिन 14 मनु तुम्हारे अंदर ही है। तुम्हारे जीवन को अगर और बारीकी से देखा जाए तो 14 भागों में बांटा जा सकता है। तुम्हारे जीवन के 6-6 वर्षों में तुम्हारे शरीर में परिवर्तन होते हैं। जब तुम जन्म लेते हो, गर्भ में आते हो, उससे 5 वर्ष तक, 1 वर्ष जन्म का, गर्भ का, और 5 वर्ष बाहर के। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो कुछ इंसान बच्चा बनता है वो शुरू के 5 साल में सीख लेता है, उसकी नींव रखी हो जाती है। 5 साल तक तुम्हारा इमोशनल, भावनात्मक, संवेगात्मक, प्रेम इत्यादि का आपका सेटअप 5 साल में बन जाता है। ये पहला स्वयंभू मनु होता है। इसलिए हमारे यहाँ यह परंपरा रही है कि गर्भवती माताओं को शास्त्र और ज्ञान और अच्छी अच्छी बातें सुनाई जाती हैं। जैसे अभिमन्यु ने गर्भ में चक्रव्यूह का भेदन सीख लिया था, ऐसे वैज्ञानिक भी कहते हैं कि गर्भस्थ शिशु को भी वो सिखाते हैं। अब वैज्ञानिक भी सिखाने लगे, लेकिन यह परंपरा लाखों साल पुरानी है। तो पहला आपका जो मनु है वो आपका, आपके मन का जो विकास होता है वो 5 साल के पहले पहले मन का काफी विकास हो चुका होता है। वो कोई बच्चा देखो, भूख लगती है तो भी कम रोता है, माँ के को कम परेशान करता है। कोई बच्चा ऐसा होता है जो पेट में ही माँ को बहुत परेशान करता है, लात गीत मारता है, दुनिया भर की बातें। कोई बच्चा ऐसा होता है जो बहुत सोता है बचपन में, कोई बच्चा ऐसा ज्यादा नहीं सोता है। आप देखो बच्चों के बारे में तो बच्चे आपको बहुत अलग अलग तरीके के मिलेंगे। ये उनका पहला मनु है। 5 से 10 वर्ष 11 वर्ष के बीच में मनुष्य का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, शरीर का ढांचा होता है, वो बन जाता है। पता लग जाता है ये बच्चा दुबला पतला होगा कि ग्रांडीड होगा कि ताकतवर होगा, कि इसकी मसल्स ज्यादा होंगे, कि इसकी लंबाई अच्छी होगी, सब देख लेते हैं। 11 वर्ष तक पता लग जाता है। आप विदेशों में बच्चों को देखो, 11 बच्चे के लड़के लड़कियां भारत के 24 वर्ष के लड़के लड़कियों के से भी अच्छे दिखेंगे आपको, पूर्ण वृद्धि वाले दिखेंगे आपको। 11 से 17 वर्ष तक दूसरा मनु होता है,
और 17 वर्ष तक मनुष्य का हार्मोनल डेवलपमेंट पूरा हो जाता है। 17 वर्ष लेकर 12 वर्ष से लेकर तो 17 वर्ष तक लोग माने या ना माने, क्योंकि लोग इसको मानेंगे नहीं, लेकिन आपको पता नहीं है कि 12 से 17 वर्ष तक उस स्त्री हो या पुरुष, लड़का हो या लड़की, उनके अंदर कोमल भावनाओं का विकास होने लग जाता है। 12 से 17 वर्ष के बीच में उनके जीवन साथी की अंदर अंदर तलाश भी प्रारंभ हो जाती है और आकर्षण भी प्रारंभ हो जाता है और संवेगात्मक आंधियां भी चलने लग जाती हैं। 17 वर्ष से 25 वर्ष तक व्यक्ति अपनी जीविका ढूंढने के लिए कृत संकल्प हो जाता है। इसलिए हमारे यहां आईएएस आईपीएस की आयु 25 वर्ष से ज्यादा नहीं रखी गई है, क्योंकि जो एकदम उत्कृष्ट लोग हैं वो 25 वर्ष तक वो करके दिखा देते हैं जो दूसरा कोई नहीं कर पाता, और 25 से 31 वर्ष तक व्यक्ति को जो कुछ कर गुजरना होता है अपने कैरियर में, अपने प्रोफेशन में, वो 50% काम कर लेता है। और संतान उत्पत्ति इत्यादि अपनी शादी ब्याह में भी वो निकल जाता, सफल होता है। और 31 से 36 वर्ष तक व्यक्ति, जो अच्छा समझदार व्यक्ति होता है, वो सेटल हो जाता है। कुछ कुछ लोग तो अपने आगे के लिए पैसा, मकान इत्यादि इसकी व्यवस्था भी कर लेते हैं, और अधिकतर जिज्ञासु आपको 25 से और 37 वर्ष के बीच में जिज्ञासु अच्छे मिलते हैं। 37 वर्ष से आगे जाकर ये सब मनु बदलते चले जाते हैं, और 14 छक्के 96 मतलब 96 वर्ष के बाद मनु, आखिरी मनु प्रलय का मनु होता है, व्यक्ति की मृत्यु की तरफ व्यक्ति जाता है। इस प्रकार से ये 100 वर्षों 14 विभागों में बांटे गए हैं, और ये 14 वर्ष यही ऐसे 14 वर्ष हैं, ये 14 विभाग हैं, ये सृष्टि में भी बांटे गए हैं। सृष्टि में 14 मनवंतर होते हैं, और हर मनवंतर का एक मनु होता है, और 14 मनवंतर का एक कल्प होता है, और एक कल्प में ब्रह्मा का एक दिन होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये सारी सृष्टि, ये सारा जगत, ये सारी संतानें, ये मेरे इन 14 मनुओं और सप्तऋषि और 4 कुमारों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष योगदान से। 4 कुमार तो शादी करते नहीं, वो तो कुमार है। ऐसे ये 4 परमात्मा की ओर जाने वाली आपकी अभिवृत्तियां हैं, ये तो बिल्कुल अछूती होती हैं, इनको माया नहीं टच कर सकती। और जो 7 अवस्थाएं आपकी चेतना की, उनको भी माया नहीं टच कर सकती है। ये 14 मनु का ही सब झमेला है, इन्होंने सारा जगत उत्पन्न किया। तो बाहर और अंदर दोनों ही ये विज्ञान परिपूर्ण होता है, बाहर भी ये परिपूर्ण है और अंदर भी ये परिपूर्ण है, और बाहर से भी ये इसको अपन परिभाषित कर सकते हैं, अंदर से भी इसको परिभाषित कर सकते हैं। आप लोग ध्यान करें, जब आप ध्यान करेंगे आपको ये सारी शक्तियां प्रत्यक्ष दिखेंगी, आप इन सब को देख सकेंगे, आप इन सब को जान सकेंगे, आप इन सब में उतर सकेंगे, आप इन सब के रहस्यों को आत्मसात कर सकेंगे, आपके सामने ये रहस्य से खुल जाएंगे जैसे किताब के पन्ने खुल जाते हैं हवा से, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। यदि आप ध्यान करेंगे तो आपको भगवान के इन वचनों की गूढ़ता का बोध हो जाएगा, आपको भगवान के ये वचन ऐसे काल्पनिक नहीं लगेंगे। भगवान के इन वचनों को आप अभी भले ही इनको एक कथा मानो, एक कल्पना मानो, ये कल्पना नहीं है, ये कथा नहीं है, ये सत्य है।
और ये धारा सारी सृष्टि जो है एक संकल्प से टिकती है। एक तुम संकल्प करते हो, एक गुरु संकल्प कराता है तुम्हें, हाथ में जल देकर संकल्प कराता है, हाथ में जल देकर मंत्र का संकल्प कराता है, तुम्हें ब्रह्म होने का संकल्प कराता है, तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाने का संकल्प कराता है, तुम्हें ध्यान करने के लिए संकल्पित करता है, तुम्हें ध्यान कराता है, तुम्हारे संकल्पों के वृक्ष में मुक्ति का फूल खिलता है। इसलिए एक संकल्प तो संसार की तरफ जाता है, एक संकल्प परमार्थ की तरफ जाता है, एक संकल्प भगवान की तरफ जाता है। ये संकल्प जो है इससे सब कुछ है। ये आपका चिदाभास है। उसी चिदाभास से आप जगत में जी लो और उसी चिदाभास से आप सद्गुरु की ओर फैलो, उसी चिदाभास से आप परमात्मा की तरफ फैलो, उसी चिदाभास से आप जगत का ज्ञान कर सकते हो और उसी चिदाभास से आप परमात्मा का ज्ञान कर सकते हो, परमात्मा में जाग सकते हो। ये श्लोक इतना पर्याप्त है क्योंकि ज्यादा लंबा ये सार गर्भित चीज है, ज्यादा लंबा लेने से ठीक ना होगा। इसलिए आप लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि आप यहाँ पर परमात्मा को जानने के लिए आए हैं, परमात्मा में जागने के लिए आए हैं। भगवान अपने गीता के माध्यम से आपको परमात्मा की ओर ले जाने की प्रेरणा दे रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपसे आपको प्रेम दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान सतगुरु के रूप में आते हैं आपके कल्याण के लिए। और ये जो वीडियो है ये अपन YouTube पर अपलोड करेंगे। आपसे निवेदन है कि इन वीडियो को सब्सक्राइब करें, खुद भी सुने, मित्रों को सुनाएं, परिवार वालों को सुनाएं, प्रेमियों को सुनाएं, रिश्तेदारों को सुनाएं, और इसके द्वारा हम इस जगत में कुछ जागे हुए लोगों को खड़ा करना चाहते हैं, जो जागे हुए लोग इस जगत का मार्गदर्शन कर सकें। अधिक से अधिक जब इस देश जगत में जागे हुए लोग होंगे तो लोग तनाव से अशांति से मुक्त होंगे। जब अशांति और तनाव नहीं रहेगा तो तनाव से होने वाली बीमारी नहीं रहेगी। जब दिमाग पर बोझ नहीं होगा तो लोगों के निर्णय सही होंगे। इस पृथ्वी पर अनिवार्य युद्ध जो है उनको छोड़कर जो बेकार के युद्ध होंगे वो गायब हो जाएंगे। बेकार के झगड़े, मनमुटाव, घृणा, ईर्ष्या, ये गायब हो जाएगा। हर व्यक्ति इस संसार में अपनी योग्यता अनुसार इस संसार के कल्याणार्थ योगदान करेगा। एक दूसरे की टांग नहीं खींची जाएगी। इस विश्व शांति के ध्यान आंदोलन में मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप इसमें सहभागी और सहयोगी बने। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, 1 अगस्त को दिल्ली में एक ध्यान शिविर रखा गया है, उसमें यह परम गोपनीय और बहुत कीमती ध्यान सिखा जाएगा। आप सब लोग जो लोग चाहें उस ध्यान शिविर में अपना पंजीयन करवा सकते हैं, और पंजीयन की सारी जानकारी फेसबुक पर सत्यबोध प्रेमानंद और वेदांतानंद जी के फेसबुक पर आपको मिल जाएगी। आप उनको फोन नंबर भी मिल जाएंगे। कृपया मैं आपसे बहुत प्रेम और सम्मान से आपको निमंत्रित करता हूँ, पुकारता हूँ, आ जाओ और सीख लो ये ध्यान। ये तुम्हारे जीवन में शांति और आनंद की वर्षा कर देगा। तुम करोड़ों अरबों के यज्ञ भी कराओगे तो उससे इतना लाभ नहीं होगा जितना इस ध्यान के सीखने से होगा। शिवम शिवम।